हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं वरामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। बलराज कुंडू के शिकायत पर एसआईटी का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी गठित की थी। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी में डायरेक्टर यूएलबी, चीफ इंजीनियर और रिटायर्ड अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बलराज कुंडू ने चंडीगढ़ में अनिल विज से शिकायत की थी। बलराज कुंडू ने अर्बन लोकल बॉडीज में पिछले 5 सालों में हुए घोटालों की शिकायत की थी। बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम के लिए लाई गई नई मशीनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम कमिश्नर यश गर्ग, फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला, बल्लभगढ़ नगर निगम से संबंधित सभी पार्षद और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करने के बाद मंत्री बल्लभगढ़ में बन रहे नगर निगम सभागार और लघु सचिवालय में भी पहुंचे और मौके पर मौजूद अधिकारियों को इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में और भी कई बड़े काम मनोहर सरकार करके दिखाएगी। महिलाओं के लिए भी सरकार अलग बसें चलाने जा रही है। चंडीगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बैठकें हो चुकी हैं। 33 मुद्दों पर सहमति बनी है जिसे लेकर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांववासियों को लाल दौरे से मुक्त कर दिया गया है जिससे वो अपनी जमीन बेच सके। वहीं गठबंधन सरकार पर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार बहुत सही ढंग से काम कर रही है और आगे भी मिलजुल कर काम करेगी। जिसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली के चुनाव में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। साथ ही कहा कि दिल्ली की जनता का विश्वास बीजेपी पर और मजबूत होता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जिन किसानों का कर्ज बाकी था उनकी पहले डेट 31 जनवरी थी, लेकिन अब हम उनकी डेट आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हरियाणा की धरती पर देशी विदेशी शिल्पकारों के कारीगरी का गवाह बनने के लिए सूरजकुंड मेला तैयार है। 1 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेले का उद्घाटन किया। 16 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में उज्बेकिस्तान पार्टनर कंट्री है, जबकि थीम हिमाचल प्रदेश राज्य की। मेले में जहां विदेशी कलाकार अपनी कला के जौहर दिखा रहे हैं, वहीं भारत के कोने कोने से आए हस्तशिल्पी अपनी अपनी कलाकृतियों से दर्शकों का मन मोह रहे हैं। वहीं इंदौर से मार्बल क्राफ्ट को लेकर आए हस्तशिल्पी पूर्ण भाई गुजराती की मार्बल से बनी मूर्तियां मेला में दर्शकों के खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो शाम में एसडीएम संदीप कुमार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का निराकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता है और इस काम में किसी भी प्रकार की कोताही को सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही एसडीएम ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए आता है उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हर संभव कोशिश करें। साथ ही उन्होंने इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यालयों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस के दस्तक से हरियाणा सतर्क है। इसी कड़ी में जुलाना के कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। जुलाना में हाल ही में चीन से लौटे एक युवक को कोरोना वायरस के संदेह के चलते निगरानी में रखा गया। हिसार में भी कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि चैनत गांव का निवासी युवक हाल ही में चीन से लौटा था, जिस पर कोरोना वायरस के लक्षण दिखे। अस्पताल में फिलहाल एडमिट कराया गया। बहरहाल तेजी से फैल रही इस बीमारी के बाद दोनों युवकों की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीन से सिरसा पहुंचे 24 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग को भेजी है, जिन पर स्वास्थ्य विभाग ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए 22 लोगों की पहचान कर ली है। फिलहाल पहचान के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए घरों में ही आइसोलेशन वार्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव मामले में स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट पर है। सिरसा, डबवाली और एलनाबाद में आइसोलेशन वार्ड बनाने के साथ ही दवाइयां रखी गई हैं। सिरसा में कोरोना वायरस से संदिग्ध मरीज सामने आता है तो उसका तुरंत प्रभाव से नागरिक अस्पताल में इलाज शुरू हो सकता है। चीन से लौटे पंचकुला सेक्टर 10 के निवासी ने अस्पताल में एडमिट होने से साफ इनकार कर दिया। सेक्टर 10 निवासी बिजनेसमैन 23 जनवरी को वुहान से वापस लौटे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन उनका कहना है कि जब वो ठीक हैं तो अस्पताल में भर्ती क्यों।
पानीपत के सामान्य अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मरीजों को दवाइयां लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। वहीं अस्पताल के खाली पड़े कमरे में इंजेक्शनों को कबाड़ में फेंका गया, जबकि उनकी एक्सपायरी डेट अभी पेंडिंग है। पानीपत के सामान्य अस्पताल में आज विश्व कैंसर दिवस पर एक जागरूकता कैंप लगाया गया, जहां डॉक्टरों ने लोगों को जागरूक किया, साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। हरियाणा सरकार की ओर से पिछले काफी समय से ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से जो बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं उन्हें ढूंढकर परिजनों को सौंपा जाता है। इसी कड़ी में राज्य अपराध ब्यूरो और चाइल्ड लाइन की ओर से रेलवे स्टेशन, बस अड्डे समेत अन्य जगहों से 6 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इस दौरान बिहार का एक बच्चा भी बरामद किया गया, जो कि कुछ दिन पहले अपने परिजनों से दूर हो गया था। टीम को 6 बच्चे अंबाला शहर और एक बच्चा छावनी स्टेशन से मिला, जो पिछले 6 महीने से गायब थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। इस तरह बाकी के बच्चों को भी उनके परिजनों से मिलवाने की कवायद जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में एलआईसी के एक बड़े हिस्से को बेचने की प्रक्रिया की जा रही है, जिस पर कुरुक्षेत्र के एलआईसी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया। कर्मचारियों ने कहा कि हम एलआईसी को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं देंगे। इसके विरोध में कर्मचारियों ने एलआईसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एलआईसी का आईपीओ लाने की घोषणा के साथ ही इसका विरोध भी तेज हो गया है। बहादुरगढ़ में एलआईसी ब्रांच के सभी कर्मचारियों ने सरकार के निर्णय के विरोध में सांकेतिक हड़ताल की है। आज लंच टाइम से ठीक पहले 12:15 से 1:15 तक सभी कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। एलआईसी के सभी कर्मचारी काम बंद कर दफ्तर से बाहर इकट्ठा हो गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना है कि एलआईसी सरकार का सबसे अच्छा उपक्रम है, जिस पर देश की जनता को पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार एलआईसी का निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। इसी मकसद से वो एलआईसी का आईपीओ लाने जा रही है। करनाल के आयुष विभाग में लगे जिले भर के सैकड़ों कर्मचारियों ने आज लघु सचिवालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। कर्मचारियों की मांग है कि उनको कच्चे से पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद की जाए, 4 महीने से रुकी हुई तनख्वाह को तुरंत दिलाया जाए। साथ ही समान काम समान वेतन लागू किया जाए और ऐसी दर्जनों मांगों को लेकर कर्मचारी सरकारी आयुष विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और आयुष विभाग के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को ज्ञापन दिया। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार किया गया स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बजट के अभाव में खेल विभाग स्टेडियम को अधिग्रहण करने से पीछे हट रहा है। 18,80,00,000 के लागत से 30 एकड़ में बनाया गया यह खेल स्टेडियम आज धूल फांकने को मजबूर। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश भर में आयुष विभाग की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जिले भर में 700 एएनएम और आशा वर्कर को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति बीमार ही ना पड़े। इसे लेकर परीक्षण शिविरों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो घर घर जाकर लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करें और उन्हें आयुर्वेद के लाभ और उसकी जानकारी दें। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की शिकायत के बाद एनजीटी ने ईंट भट्टों को चलाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हरियाणा के 14, उत्तर प्रदेश के 8 और राजस्थान के 2 जिलों में ईंट भट्टे बंद पड़े हैं। ईंट भट्टों पर रोक की वजह से रेवाड़ी में भी पिछले 10 महीनों से सभी ईंट भट्टे बंद पड़े, जिसके चलते ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के सामने अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। दूसरी तरफ 4,500 रुपए प्रति हजार मिलने वाली ईंटों की कीमत अब 6,000 रुपए तक पहुंच गई है। एक तरफ बढ़ते दाम से मकान निर्माण कराने वाले परेशान हैं, तो दूसरी तरफ भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों ने एनजीटी से गुहार लगाई है कि जल्द ही इन भट्टों को चालू करवाया जाए ताकि उनका घर चल सके। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मसले पर 10 फरवरी तक कोई फैसला आ सकता है, लेकिन इससे पहले ही मजदूर ईंट भट्टों से बंदी हटाने की मांग की। अंबाला छावनी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ छावनी परिषद अभियान चलाया गया। इस दौरान छावनी क्षेत्र में अनियमित रूप से खड़े वाहनों से भी जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही छावनी परिषद की टीम ने यहां के फिश मार्केट 12 क्रॉस रोड में अवैध निर्माण को हटाया। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान
छावनी परिषद के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा और दूसरी जगहों को भी जल्दी अवैध कब्जे से मुक्त किया जाएगा। सीएम वेणु पर अवैध निर्माण की शिकायत मिलने के बाद कैदल नगर परिषद ने करनाल रोड स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में कार्रवाई की। इस दौरान गली नंबर 3 में करीब 55 से 60 घरों के आगे किए गए अवैध कब्जे को हटाए गए। नगर परिषद के अधिकारियों ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी के लिए जमीन। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सीएम विंडो में शिकायत के आधार पर की गई। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भेजी गई थी, लेकिन जब लोगों ने नोटिस पर अमल नहीं किया तो विभाग को तोड़फोड़ की कार्रवाई करनी पड़ी। गुरुग्राम में कूड़े के पहाड़ को लेकर अब संग्राम शुरू हो गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले का हर रोज 1800 टन कूड़ा गुरुग्राम के बंदवाड़ी कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, जिसे लेकर अब पार्षदों ने दो टूक कह दिया कि फरीदाबाद का कूड़ा अब गुरुग्राम में नहीं डाले। गुरुग्राम में कूड़े को लेकर अब गुरुग्राम के तमाम पार्षद एकजुट हो गए हैं और फरीदाबाद के कूड़े को गुरुग्राम में नहीं डाले देंगे ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही गुरुग्राम की मेयर टीम भी इसका साथ दे रही है। दरअसल गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जिले का हर रोज करीब 1800 टन कूड़ा गुरुग्राम के बंदवाड़ी गांव से कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, जिसकी वजह से गुरुग्राम में कूड़े का पहाड़ पिछले कई साल से बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से गुरुग्राम में गंदगी के साथ बीमारियों का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। अब गुरुग्राम के तमाम 35 पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए नगर निगम के सदन की बैठक में साफ कर दिया है कि गुरुग्राम में फरीदाबाद का कूड़ा नहीं डालने देंगे। उसके लिए जहां उन्हें कूड़ा प्लांट पर धरना ही क्यों न देना पड़े। पार्षदों की माने तो ये प्लांट निगम के वार्ड नंबर 30 में आता है, जिसकी वजह से पूरे वार्ड में सबसे ज्यादा पड़ती है। गोहाना में एक बार फिर से राशन देने वाले कोटे में मिलावटी सरसों के तेल का मामला सामने आया, जहां राशन कोटे में बीपीएल परिवारों को मिलावटी और बदबूदार सरसों का तेल बांटा जा रहा है, जिसे खाने के बाद परिवार के सदस्य बीमार हो रहे हैं। बता दें कि पहले भी गोहाना में इस तरह के मामले सामने आने के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जांच के आदेश दिए थे। बावजूद इसके मिलावट का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जींद में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। इन आवारा पशुओं की वजह से लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जींद की सड़कों पर आवारा पशु आपस में लड़ते देखे जा सकते हैं। आवारा पशुओं की वजह से कई बार लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। फतेहाबाद शहर के हिसार सिरसा रोड पर प्रशासन द्वारा बनाए गए सखी वन स्टॉप सेंटर से नाबालिग युवती के फरार होने का मामला सामने आया है। नाबालिग युवती सेंटर की संचालिका को बाथरूम में बंद करके सेंटर की पिछले दीवार को फांद कर भाग गई, जिसके बाद अब पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। दादरी के वार्ड नंबर 24 में मौजूद धर्मशाला के सामने रविदास जयंती मनाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आयोजन स्थल को लेकर रविदास सभा पदाधिकारी और दूसरे पक्ष में काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बता दें कि कई दिनों से दोनों पक्षों की ओर से आयोजन स्थल पर खड़े किए गए वाहनों में भी तोड़फोड़ की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। वहीं बीते दिन दोनों पक्षों को थानों में बुलाकर उनके बयान दर्ज कराए गए। एसडीएम ने कब्जा करने वाले पक्ष के लोगों से बात कर जयंती समारोह में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न करने की हिदायत दी है। उपमंडल अधिकारी संदीप अग्रवाल ने दोनों पक्षों के लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह भी किया। सोहना पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल पुलिस ने 20 जनवरी की रात को सोहना गुरुग्राम मार्ग पर अलीपुर गांव के पास ट्रक के चालक और परिचालक के साथ हथियारों के बल पर बंधक बनाकर सुपारी से भरे ट्रक को लूटने वाले गैंग के मुखिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसे 4 दिन के पुलिस कमांड पर भेजा गया ताकि आरोपी के बाकी साथियों को भी अरेस्ट किया जा सके और लूटे गए ट्रक और सामान को बरामद किया जा सके। जाखल में एक युवक का शव बरामद किया गया। हरियाणा पंजाब सीमा पर तलवाड़ा रोड पर मौजूद एक शराब के ठेके के सामने 25 साल के युवक की हत्या कर दी गई। पहचान पंजाब के लहरा गागा शहर के वार्ड नंबर 10 निवासी जगमोहन सिंह के नाम से हुई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद लहरा गागा पुलिस थाने से आए। थाना प्रभारी ने घटना की जांच कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल युवक की हत्या किसने की और किन कारणों से घटना को अंजाम दिया गया इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
गुहाना जींद रोड पर बुटाना गांव में बने 33 केवी बिजली पावर हाउस में लगे बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर में एक बेकाबू डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डंपर बिजली पावर हाउस के अंदर लगे ट्रांसफार्मर के पास पलट गया, जिससे बिजली घर में लगे 7 बिजली के खंभे और 2 बड़े ट्रांसफार्मर टूट गए। इस हादसे में डंपर चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए खानपुर पीजीआई में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद बुटाना कोहला गांव समेत कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। बादली के पास मौजूद कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद गाड़ी के अंदर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस को गाड़ी के अंदर से 240 शराब की छोटी बोतलें बरामद हुई हैं। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।